कल गैस लीक मामले के दर्दनाक हादसा होया 11 मैंबर की डैथ हो गई थी। अच्छा अभी खड़े हैं उस परिवार के कोल जिथे सब तो पहला शुरुआत हुई है, जिथे मेन हॉल से इन्हों की दुकान स्टोर है और किराना स्टोर है, उस दुकान के बाहर जो सीवरेज है उस तो गैस लीक शुरू हुई थे। इन्हों पहला परिवार मैंबर की डैथ हुई। गल कर लें इन्हों परिवार मैंबर चो अज इन्हे एको एक जो कह सकते हैं इकलौते मैंबर जोड़े आ जीवित, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो इन्हों की किस तरह होंगे जीवन। एक छोटा जहाँ बच्चा भी थोड़ा बड़ी मुश्किल ना प्रोग्राम नहीं करना बचा और तुम भी बच गए हो। ये हादसा होया सी सब समय से बाहर कि गैस कितों तो सबसे पहले कैसे क्या हुआ कुछ पता आपको? सर जैसे मैं तेज हुई वैसे सांस से घुटने लगी, फिर उसके अचानक फिर ब्लॉक हो गया। मैं कितने बजे की बात है? 7 बजे की बात। 7 बजे की बात है। आप दुकान कब खोलते हैं? दुकान तो 5 बजे। 5 बजे की सबसे ज़्यादा महक नहीं आ रही थी? नहीं। आप कितने मेंबर हैं दुकान में? मैं अकेला नीचे का, 3 ऊपर थे। तो वो डेथ उनकी होगी? हाँ जी। कौन कौन का मेंबर है? एक छोटा भाई, एक उसकी वाइफ और मम्मी। मम्मी तो छोटा बच्चा कहाँ था? उसको तो कोई सामने ढाबे वाले थे, वो मेरे रिश्तेदार को पकड़ा के आए। क्या जहाँ को कस्टमर भी आए थे आपके पास? हाँ जी, एक लेडीज आई लाल चक्की के पीछे रहती है। तो वो उसका क्या हुआ? वो भी मैं कल बेहोश हो गई थी, महक ज़्यादा आ रही थी। आपके साथ में जो परिवार है और कितने लोग आपके घर में? परिवार तो सर अधिकतर बाहर ही रहता है, यहीं पे अभी तो आना शुरू होंगे। नहीं, आप कितनी देर से जहाँ अपना व्यापार कर रहे हो? 25-26 साल से। कभी ऐसा कभी कोई पहला कोई ऐसी हरकत हुई है जब कोई गैस का कोई कभी हुई तो नहीं है, सर हल्की हल्की हुई है पहले, ज़्यादा नहीं। मतलब तो बीमारी तक नहीं कभी पहुँची? नहीं। अब प्रशासन ने आपको कोई तसल्ली दी या कोई मुआवजे के लिए बात करी? नहीं, मैडम आई थी 2-2 लाख रुपए कही थी, मरने वाले को जीवित वाले को 50-50 हज़ार। 50 हज़ार? तो आपने बोला नहीं 2 लाख क्या कीमत है? और फिर जल्दी जल्दी चले गए तो भीड़ ज़्यादा थी उनके साथ। आज आपने अपने सारे परिवार का कहते संस्कार भी कर दिया, बहुत दुख था और हम भी अपने चैनल की तरफ से दुख का प्रकावा करते हैं और उनकी आत्मा को हम शुभार भी देते हैं ताकि ऐसा कभी भी ज़िंदगी में कभी दुश्मन का सामना हो। लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कोई कारण कैसा बन गया? सैकड़ों सालों से, हजार काफ़ी सालों से वही फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उन्हीं का सीवरेज है, कोई ना कोई किसी की शरारत नज़र आ रही है? इसके साथ ही सर केमिकल की फैक्ट्री आ गए, वो सब केमिकल इन्हीं में डालते हैं, तेज आप पूरा आपकी फैक्ट्री आ गई। कोई डिपार्टमेंट आता है कॉर्पोरेशन वाला पोल्यूशन कंट्रोल वाला कुछ चेक करने के लिए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ सारा खर्चा बच्चे का यही उठाए, पढ़ाई से लिखाई तक। कितनी देर का बच्चा है? 8 महीने का। 8 महीने का बच्चा? हाँ जी। वो बच्चा आपके भाई का? हाँ जी, भाई का। तो आपका क्या प्रभाव? हाँ जी, आप शादीशुदा हो? हाँ जी। इनसे बात करने थे, आपके जो रिश्तेदार हैं? हाँ जी। तो सर क्या नाम आपका? आशुतोष। आशुतोष जी, आप कब यहाँ आए, कैसे पता लगा आपको? मैं सुबह आया हूँ। सुबह आए? मुझे कल शाम को न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ा जी। अच्छा, उसका मैं इंक्वायरी करी, पता चला कि यहाँ पर इसके फ़ोन लग नहीं रहते, तो एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे जानकारी में, उनके थ्रू हमने पता किया। उनके थ्रू पता किया? अच्छा। तब हमें रात को मालूम पड़ा 12-1 बजे, उस वक्त तो नहीं निकल पाए, लेकिन आप सुबह आके हमें। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि ये पर्यावरण की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं? देखिए, जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ के सीएम साहब ने पहले की थी जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनमें से कितनी बातें पूरी कर रहे हैं वो हादसे से समझ में आता है। इस हादसे को क्या समझते हो, कुदरती हादसा मानते हो या किसी का किया हुआ हादसा? देखिए, कुदरती हादसा होता है तो लोग मरते नहीं इस तरीके से। कुदरत कभी गैस नहीं छोड़ती है, जहरीली गैस तो कभी कुदरत नहीं छोड़ती है। यहाँ पे भूकंप आता या कोई बारिश का ऐसा बहुत ज़्यादा त्रस्त भी होती, बात समझ में आती कि भाई कुदरती हुआ, समझ में आता है। यहाँ पर गैस लीक हो रही है, वो भी सीवेज से, ये समझ के बाहर है।
जांच की टीम नगर पालिका क्या कर रही थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हर हफ्ते यहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए। क्या आज तक कभी नगर पालिका के किसी भी सदस्य ने आपके यहाँ चेकिंग की? मेरे तो नहीं है। आज चेकिंग की बात कर रहे हैं, आज आपकी टीम है कल से जहाँ लगी है, कल से लगी है ना। उससे पहले कौन यहाँ कर रहा था? बिल्कुल वहाँ पर आज उन्होंने जांच में ये बताया कि जो एचक्यूएस ये सीवरेज में बनती रहती है गंदगी के कारण। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गैस बनती रहती है सीवेज के अंदर, लेकिन वो तब बनती है जब वहाँ पर सीवेज के अंदर स्टोरेज हो रहा हो, पानी कहीं रुकता हो, गंदगी कहीं रुकती हो। यहाँ तो कुछ रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू बह रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री वालों की मेरी गलत है, जड़ी इधर चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, इधर की होगा कुछ, क्योंकि सबकी मेरी वक्त है, कुछ नहीं है। दो दिन चलेगा, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये 2,00,000 रुपये चटनी की तरह बांट दिया, इसको ले लो, इसको लेकर खुश हो लो, जिसके दिल पर बीतती है उसको बताओ। आपके रिश्तेदार हैं उनके चले गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, 2,00,000 चटनी की तरह बांट रही है। क्या क्या यह चेकिंग हो रही है? अब दिखावा कर रही है, 100 आदमी लगाने के लिए। इस काम को पहले भी किया जा सकता था, ये आज हो रहा, ये आज यहाँ हो रहा, कल कहीं और होगा। ये फैक्ट्री वालों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? ये क्यों इसको केमिकल को इसमें मारा? ये गवर्नमेंट की सरकार है, ये सारी गवर्नमेंट ने विभाग बना रखे हैं, कॉर्पोरेशन है, कंट्रोल बोर्ड है, इस पानी को चेक करने का विभाग है। मुझे दिखाओ ना कहाँ विभाग, कौन सा विभाग मुझे दिखाओ तो सही, वो कहाँ विभाग, कहाँ सो गए, कौन से विभाग सोए हुए? कोई विभाग ने आज तक चेकिंग करी? आज तो सारे विभाग नजर आ रहे हैं, आज तो नजर आएंगे। आज तो प्रशासन भी नजर आ रहा है, आज सब नजर आएंगे। क्यों सबको मीडिया पर नाम दिखाना है, सबको कार्रवाई दिखानी है कि कितने बड़े कार करने वाले हैं? क्लोज करो, ये कुछ नहीं करने वाले, क्लोज। ये 2 दिन मीडिया चलाएगी, कुछ नहीं होगा, ठंडे बस्ते पड़ जाएगा कि ये हो गया। अब कह तो रहे कि वो सेलिब्रेट बन गया, आप कह तो रहे हो। ये परिवार के मेंबर थे, बहुत दर्दनाक हादसा है जो हुआ है, और परिवार के मेंबर बहुत दुखी हैं, और सरकार के जो 2,00,000 रुपए देने के मामले में ये खफा है कि 2,00,000 रुपए बहुत कम होते हैं किसी की जान के लिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसका मुआवजा और बढ़ाया जाए। जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो परिवार के पीछे मेंबर बचे हैं उनको उनके जीवन आगे चलाने के लिए उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार की ओर से और मदद होनी चाहिए। और ये सारा मामला जो जहाँ 11 मेंबर जहाँ जा चुके हैं उसके लिए सरकारें अभी जांच कर रही हैं कि कौन रोपी है, कहाँ से ये गैस आई है। अब देखना होगा कि आने वाला समय क्या पंजाब पुलिस, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम विभाग इसकी जांच कर आरोपी को पकड़ते हैं कि नहीं।